हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो बल और दाब के भाग दो का वीडियो है। भाग एक में आपने जाना बल और उसके उपयोगों के बारे में, और इस भाग में हम बलों के प्रकार को विस्तार से जानेंगे, और इसके अंतिम भाग तीन में हम दाब और उससे जुड़ी बातों को सीखेंगे, और हम बल और दाब में क्या संबंध है यह भी सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम बलों के प्रकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला प्रकार है संपर्क बल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स, घर्षण, फ्रिक्शन। और दूसरा प्रकार है असंपर्क बल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फील्ड फोर्स, जैसे चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। बल का पहला प्रकार है संपर्क बल। ऐसे बलों को लगाने के लिए दो वस्तुओं के बीच संपर्क होना अनिवार्य है, और इसका पहला उदाहरण है पेशीय बल। हमारे शरीर की मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप जो बल लगता है उसे पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल हमें सभी क्रियाकलाप करने के योग्य बनाता है, जैसे चलना, खाना, यहां तक कि शरीर के अंदर की सारी गतिविधियां, जैसे पाचन क्रिया में भोजन को आहार नाल में आगे की ओर धकेलना, श्वसन क्रिया में वायु अंदर बाहर करते समय फेफड़ों का फूलना और सिकुड़ना आदि सभी क्रियाएं पेशीय बल के लगने से ही पूर्ण होती हैं। और यह संपर्क बल में इसीलिए है क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों। दैनिक जीवन के अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए, जैसे फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे अपने आप ही धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। इसी प्रकार किसी नाव को भी खेना बंद कर दिया जाए तो कुछ दूर चलकर यह भी रुक जाती है। इन सभी स्थितियों में वस्तुओं की चाल धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। यानी इन सभी स्थितियों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ है और यह कार्य केवल एक बल कर सकता है। तो इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण है घर्षण बल। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा की विपरीत ही होती है। वास्तव में घर्षण बल जिन दो सतहों के बीच लगता है उन्हें हमेशा साथ रखने की कोशिश करता है। जैसे पिछले उदाहरण में वस्तु और जमीन की सतह आपस में संपर्क में थी, और क्योंकि जमीन रुकी हुई है तो घर्षण बल के कारण वस्तुएं भी अंत में रुक जाती हैं। घर्षण बल हमारे चलने और रुकने दोनों में ही काम आता है, और क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क से उत्पन्न होता है इसीलिए यह भी संपर्क बल का ही एक उदाहरण है। बल का दूसरा प्रकार है असंपर्क बल। ऐसे बलों को लगने के लिए वस्तुओं के बीच संपर्क होना जरूरी नहीं है। इसका पहला उदाहरण है चुंबकीय बल। एक चुंबक द्वारा दूसरी चुंबक या एक लोहे के टुकड़े पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण को चुंबकीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए दो छड़ चुंबकें लीजिए और एक को जमीन पर रख दीजिए। जब आप दूसरी चुंबक को उसके पास लाएंगे तो पहली चुंबक जो कि स्थिर थी गति में आ जाएगी,
या तो वह उससे दूर जाएगी या तो वह उसके पास आएगी। तो स्थिर चुंबक को गति प्रदान होने का मतलब है कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई बल लगा है और यही बल चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल की एक विशेषता होती है कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि धरती पर जीवन को संभव बनाने के लिए चुंबकीय बल का एक बड़ा योगदान है? जैसे धरती के इर्द गिर्द एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है जो कि धरती के घूमने से उत्पन्न होता है, जो हमें सौर मंडल की कुछ खतरनाक किरणें जैसे सौर वायु से बचाता है और हमारे जीवन को संभव बनाता है। यह बल दो चुंबकों के संपर्क में आए बिना ही लग जाता है, इसलिए यह असंपर्क बल में रखा गया है। यह चित्र हमें दर्शाता है कि किस प्रकार धरती का चुंबकीय क्षेत्र खतरनाक सौर वायु से हमें बचाता है। असंपर्क बल का दूसरा उदाहरण है स्थिर वैद्युत बल। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु परमाणु से मिलकर बनती है और इन परमाणुओं में दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। किसी अनावेशित वस्तु में ये दोनों बराबर होते हैं और आवेशित वस्तु में इन दोनों में से किसी एक की संख्या ज्यादा होती है। और एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। असल में यह बल विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए एक गुब्बारा लीजिए, उसे अपने सिर पर थोड़ी देर तक तेज तेज रगड़िए और फिर उसे बालों के पास थोड़ी दूर पर लाइए। आप देखेंगे कि बाल अपने आप ही गुब्बारे की तरफ खिंचे चले जाते हैं। यह क्या बताता है? यह बताता है कि गुब्बारे को सिर पर रगड़ने से वह आवेशित हो जाता है और बाल दूसरी प्रकार से आवेशित हो जाते हैं। तो ये दोनों आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यही है स्थिर वैद्युत बल। और वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी यह बल काम करता है, इसीलिए यह असंपर्क बल का ही एक उदाहरण है। असंपर्क बल का तीसरा उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज आइज़क न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक बार वे सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक से एक सेब पेड़ से टूटकर उनके ऊपर गिरा। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हुआ। पहले सेब स्थिर स्थिति में था जब वह पेड़ पर लगा हुआ था। पेड़ से टूटकर उसको नीचे की ओर गति प्रदान हुई। इसका मतलब उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन आया। इसका मतलब उस पर कोई ना कोई बल काम कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसीलिए गिरती हैं क्योंकि धरती उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। असल में गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। परंतु धरती के द्वारा हम पर लगने वाले बल के अधिक परिमाण के कारण हमें सिर्फ यही महसूस होता है। क्या आप जानते हैं, अगर हम चांद पर जाएं तो हम अपने आप ही उड़ने लगेंगे। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम है, इसीलिए ऐसा होता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने सीखा बलों के प्रकार और इन बलों का भौतिक दुनिया में प्रयोग। अब बल और दाब के आखिरी भाग
भाग तीन में हम जानेंगे दाब और उसके प्रकारों का उल्लेख और दाब और बल में क्या संबंध है। तो बल और दाब का भाग तीन जरूर देखिए। धन्यवाद।